तो ये जो चार स्क्रू दिए हुए हैं दोस्तों, ये चारों स्क्रू अपने को यहाँ लगाने हैं इसमें, ताकि ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब अपन चेक कर चेंज करने वाले हैं विटारा ब्रेज हमें अपनी म्यूजिक प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये स्टॉक प्लेयर है उसकी, जो अपन लगाने वाले माइटी फेस का ये वाला प्लेयर, जिसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन के साथ में प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को इसकी क्वालिटी देखने को मिले। तो ये देखिए दोस्तों, अपन ने इसको यहाँ पे स्टेप से लगा दिया है। अब इसको अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं, इसको जल्दी से अपन खोलेंगे और इसको इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। सारी वायरिंग इसका जो जो आई थी वो सब मैंने इसमें फिट कर दी है, कपलर टू कपलर कनेक्शन है, ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर इसका साउंड भी चेक करेंगे अपन। तो ये गाइस इस टाइप के टूल्स रखे करो तो इससे बहुत जल्दी ये खुल जाता है, मैंने बुलवाया था ऑनलाइन ही। तो देखिए इस टाइप से पूरा एक खुल गया ये, और अब इसके बाद में अपन इसको लगाने वाले हैं। ठीक है, पूरा इसको ओपन करके पूरा, सबसे पहले आपको एसी वेंट के वाले निकालना है ये। एसी वेंट निकालने के बाद में इसके कपलर को यहाँ से निकाल दें, ताकि ये इजी वे में निकल जाए। ये पिन दबाएंगे हम, यहाँ पर ये दिख रही है ये वाली, ये देखिए ये पिन दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं निकालता हूँ इसको फिर बताता हूँ। देखें ये मैंने इसकी पिन दबाई और ये आ गया बाहर। अब इसके दो नट हैं यहाँ पे ये वाले, और ये खोलेंगे तो ये प्लेयर पूरा बाहर आ जाएगा। गाइज अभी तो मैंने हवा चालू कर दी थी इसकी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो ये देखें, अब इसका ये कपलर यहाँ से निकालना है। प्लेयर तो बाहर आ गया, उसको खोले तो मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, ये बाहर हो गया, और ऐसे ये सारा निकालना। ठीक है दोस्तों, अपन ने पूरे निकाल दिया, और ये कनेक्शन जो अपन ने अलग से किया था होम थिएटर का, इसको आप चाहें तो इजी में लगे रहने दें, या इसको भी निकाल सकते हैं, बाहर निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जगह अपन डायरेक्ट प्लेयर में कनेक्शन कर देंगे, इसमें आउटपुट दिया हुआ है। तो ये अपन ने इधर निकाल दिया इसका ये GPS भी, यहाँ से ड्रॉज निकल जाती है। आपको बताएं ड्रॉज निकालने के बाद में USB भी इधर कर दी मैंने, और इसका एंटीना भी मैंने उधर कर दिया है। माइक को अपन को ले आना है, माइक देखते हैं अपन किस साइड लगाते हैं। ठीक है, पूरा कनेक्शन करके फिर बताता हूँ। कपलर टू कपलर है ये, कपलर आपको इसमें लगाना है और चालू हो जाएगा। ठीक है गाइस, जब अपन ये कनेक्ट करने वाले हैं, थोड़ा मैंने क्या इग्निशन बंद कर दिया इसलिए टू टू बजेगी। बाकी अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर देखता है ये ऑन होता है कि नहीं। ठीक है गाइस, ये ऑन कर दिया मैंने, मतलब कनेक्ट कर चुका हूँ अभी इसको मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं ऑन करता हूँ की को, प्लेयर चालू हो जाना चाहिए अपना। तो गाइज़ ये देखें, माई TVS इंडियन बेस्ड कार सीरीज ब्रांड चालू हो चुका है अपना एंड्रॉइड। तो इसकी पूरी कंप्लीट फिटिंग करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ ये सारे देखें, सारे उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है दोस्तों, उस हिसाब से आपको काम करना है। बाकी आपके जो ओरिजिनल दो सॉकेट रह जाते हैं जो नहीं इसमें लग पाते हैं, वो काय के रहते हैं मैं बता देता हूँ आपको। बाकी तो सारे A to Z लगा दिए मैंने, जो कंपनी के साथ के जो थे, मतलब उसके साथ के जो कंपनी के जो थे, स्ट्रिंग माउंट वाला कंट्रोल यहाँ पे लगता है, बट अपने पास बेस्ट मॉडल इसमें नहीं है, वो रहता तो यहाँ लग जाता हो। ठीक है, और ये जो सॉकेट दिख रहे हैं इसमें, ये एक USB का है और ये एक ऑक्स केबल का है, तो ये इसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको इसी में दे रखा है कनेक्शन, इसमें कर देना आपने। ठीक है, इसको मैं पूरा कम्प्लीट इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पूरा कनेक्शन हो गया, कपलर से कपलर जो लगा दिया अपन ने यहाँ पर, देखे ये, और कोई वायर वगैरह काट कुटी नहीं करी, इसके लिए थोड़ी सी करनी पड़ी थी। बाकी इसमें कोई भी कहीं कुछ नहीं, बहुत इजी सेटअप है, आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। सारे कपलर इसमें लगे हुए दिखा दिए आपको मैंने। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको जल्दी से पूरा प्रॉपर फिट करता हूँ, फिर और बता दूँ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं, अपन ने पूरी फाइनल फिटिंग कर दी है, देख सकते हैं आप, और कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब जल्दी से इसका स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ प्लेयर का, कि एक्चुअल में ये 64 GB है या नहीं। तो इस टाइप से कुछ इसका आउटलेट आता है, डिस्प्ले में देख सकते हैं आप, सिस्टम पे जाते हैं, टच स्क्रीन रिस्पॉन्स अच्छा है। और आपको बता देता हूँ मैं अबाउट डिवाइस में अपन जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर एंड्रॉयड 10 लिखा हुआ आएगा, जैसे देख पा रहे हैं आप। उसके बाद में इसका सिस्टम वर्जन और ये लिखा हुआ है मेमरी, तो मेमरी में जैसे जाएंगे तो एवरेज इसमें दिखा देगा, ये दिखा रहा है यहाँ पर 2 GB मेमरी इसमें है, और स्टोरेज दिखा रहा है 57 GB इसमें भी फ्री है, यानी कि ये जो उसका डिवाइस है 64 GB का ही डिवाइस है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये 6 GB इंटरनल स्टोरेज अभी यूज़ कर लिया इसने, तो ये जो इसमें दिया हुआ था काफ़ी बढ़िया है दोस्तों लगा मुझे ये। और इसका आउटपुट मैं बताना चाहूँगा, आपका जो आउटपुट है इसका म्यूज़िक का काफ़ी बढ़िया है, बूफर इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, और ये देख सकते हैं आप इसका आउटलेट, तो इस टाइप से ये दिखता है दोस्तों। और ये मेमरी भी आपको बता दी मैंने कि इस टाइप से इसमें दी हुई है,
और बाकी की चीज़ें और अपन इसमें टेस्ट करेंगे। आने वाला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अभी इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है T3 जो इसमें पैकेट में दिया था उसी टाइप का पूरा बता रहा है ये। तो दोस्तों आने वाले समय में आपको और इसकी अपडेट में देने वाला हूँ, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ में प्रेस करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के साथ में अपडेट मिल जाए। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस टाइप से आउटलुक आता है गाड़ी का लगाने के बाद में, और काफ़ी बढ़िया इसका वॉइस क्वालिटी कॉल क्वालिटी सारी चेक कर ली है मैंने, काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लेना है तो मुझसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करें, आपको हम अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपन ने गूगल मैप यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, तो अगर एंड्रॉयड प्ले आप नहीं आपको कनेक्ट करना हो तो आप डायरेक्ट उसी से बस हॉटस्पॉट्स को दें और ये बन जाएगा डिजिटल स्मार्ट चेयर। जी हाँ दोस्तों, और इसमें देखते हैं अपन ने गूगल मैप डाउनलोड कर लिया है, व्हाट्सएप, डिजनी और स्टार, और यहाँ तक कि अपन ने जो डेस्क कैम इसमें लगा रखा है उसको भी अपन यहाँ से लिंक कर पाएंगे बिना किसी हेडक के। जी हाँ दोस्तों, अपन ने जो ये यहाँ पर डेस्क कैम लगा रखा है एक्शन कैमरे को डेस्क कैम बनाकर काम से हम वैसे ही करता ही है, एक्चुअल में एक्शन कैमरा है बट ये काम डेस्क कैम का कर रहा है अभी, तो इसको भी अपन इससे कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको, देखें। और कमाल कमाल के फीचर्स है दोस्तों इसमें, बहुत शानदार शानदार। तो अपडेट आपको मिलता रहेगा, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को साथ में प्रेस करना है ताकि आपको अपडेट मिल सके। मैं क्या है अलग अलग एसेसरीज अपने दे रखी, तो गाइस आपको और मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर और क्या ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको बता देता हूँ। अभी जो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, देखा डिज्नी स्टोर मैंने बताया था आपको, ये गो प्लस क्या है, ये एक्शन कैमरे की ऐप है, इससे डायरेक्ट मिरर टू मिरर कनेक्ट हो जाता है। तो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपना ये जो आप देख रहे हैं कैमरा मैंने ऑन करा है, ये देखें इसको मैंने वाईफाई मोड इसका चालू किया। अब यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, पे क्लिक करके रखना है तो ये यहाँ पे खुल जाएगा, और यहाँ पे अपने ये तो वाईफाई का आ रहा है और ये जियो का आ गया अपना, सॉरी जो एक्शन कैमरा इसका नाम, अब ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक एक बार वेयर कर दो फिर ऑटोमेटिक ये करता रहता है कनेक्ट। तो ये कनेक्ट हो चुका है, बहुत फास्ट है दोस्तों। और आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, ऐप खोलना है। जैसे आप ऐप खोलेंगे ये कुछ स्टेप से लुक आता है इसका, यहाँ पे आ गया आपका कैमरे का फ़ोटो। आपको जो कैमरा में करना है वाईफाई, इस पर क्लिक करें तो ये आपके कैमरे से लिंक हो जाएगा। ये देखें अभी कैमरा चालू है ना दोस्तों, ट्रिक ये दोस्तों हिडन, आपको ये फीचर्स आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों, इतनी मेहनत हम करते हैं यार आप लोगों के लिए यार दोस्तों, बट अगर कुछ लाइक वाइक नहीं करते हो यार आप लोग यार तो मज़ा नहीं आता। देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, और ये देखें यहाँ पर ये सामने वाला गेट ही बता रहा, नहीं तो आप बोलेंगे भैया क्या देखो मैं यहाँ बताऊँ, ये मैं हाथ बताएगा यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच, जल्दी से लाइक करो दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से आप उसको बढ़िया बढ़िया स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं आपके जो एक्शन कैमरे को इससे डायरेक्ट कनेक्ट करके। तो इस टाइप के फीचर्स इसमें अवेलेबल है, और आपके उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह देखना हो तो आप यहीं से सीधे देख सकते हैं, यहीं से रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं सारे फीचर्स में दोस्तों, यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड होते रहेगा। फिर आपको फुटेज देखनी है तो आपको फुटेज देखने के लिए आप बार बार मेमोरी कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहीं देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है दोस्तों, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके अलावा फिर आप बैक कर दें यहाँ से वापस होम पे आ जाएं। फिर दूसरा ये म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पे आपकी गाड़ी की जो स्पीड चलेगी वो बताएगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं पैटर्न को। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो ये एंड्रॉयड ऑटो पे चले जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल आईफोन जो भी रहेगा उसके हिसाब से कनेक्ट कर लेगा। तो आपको USB से कनेक्ट करना हो तो USB से या ब्लूटूथ से, ये सारे फीचर्स में दिए हुए हैं। फिर अपन बाहर आते हैं, ये अपने पेन ड्राइव लगा रखी है अगर गाड़ी में तो ये सीधा यहाँ से प्ले हो जाएगा, यहाँ से इस पर जाएंगे आप तो ये यहाँ पर गाना प्ले कर तो ये कॉपीराइट मार देगा और पूरा वीडियो का सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ मैं। बाकी ये देख रहे हैं यहाँ पे FM वगैरह इस टाइप से दिया है, ये मैंने अभी इसका स्क्रीन चेंज किया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्री वाली है, बाकी अगर आप परचेस करेंगे तो परचेस करके काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाती है वॉलपेपर स्क्रीन थीम्स, बट अपन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यार दोस्तों महंगी है वो डॉलर के हिसाब से चलेगी, तो मैंने कहा यार भैया हम नहीं खरीदते, पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दे रखे हैं इसमें स्क्रीन को, अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीन के परचेस करना चाहें तो स्क्रीन के लिए। और इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको बता देता हूँ पहले मैं, तब ये यहाँ पे चलेगा। तो अभी हॉटस्पॉट मैंने इसका मोबाइल का ऑन नहीं किया हुआ है, मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ पहले मैं। तो मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते ही दोस्तों अपन ये क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेगा, बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा उसको सेटिंग में, ये कनेक्ट होते इसमें का इस टाइप का साउंड बजता है।
फिर आप थीम पे जाएं और थीम पे जाकर आपको जो थीम पसंद आ रही है वो कर लें। काफ़ी फास्ट इंटरनेट चलता है, 5G इसमें चल रहा है अभी फ़िलहाल में। और ये देख सकते हैं इतने पैटर्न हैं, बट ये सब बैड है, मतलब वो ख़रीदने पड़ेंगे। और जो फ्री के हैं, मतलब जो अपने जैसे लोगों के लिए, गरीबों के लिए मिलना चाहिए जो अधिकार, वो बता देता हूँ मैं आपको। लगा तो लिया प्लेयर पर, अब अपन थीम तो नहीं खरीदेंगे ना। तो 1, 2, 3, 4 ये स्टेप के पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको जो सूट अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं इसमें। ही देख सकते हैं इतने पैटर्न अपने को फ्री मिल जाते हैं इसके साथ में। और इसके अलावा फिर अपन फिर इसको क्लिक करेंगे तो होम पे आ जाएंगे, यहाँ से नेविगेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर एंड्रॉयड ऑटो प्ले आपने स्टार्ट कर रखा हो, इसमें कनेक्ट कर रखा हो तो। और इस टाइप से यहाँ पे घड़ी दी जाती है, इसको भी चेंज कर सकते हैं आप। ये यहाँ म्यूज़िक दिया हुआ है, और ऐप में आप अपना जो फेवरेट ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने विंक किया हुआ है इसमें, फिर ये मैप करा हुआ है, गूगल मैप भी इसमें मैंने कर दिया इंस्टॉल। गूगल मैप पर क्लिक करो और ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब बढ़िया है, डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है। और बढ़िया, अगर आपको मूवी वूवी देखना हो गाड़ी में तो मज़ा आ जाएगा आपको देखने के लिए, क्योंकि एकदम थिएटर साउंड आता है इसमें। और मैच वगैरह देखने के लिए तो मज़े ही मज़े हैं दोस्तों, जब छक्के लगेंगे ना तो बैट की जो बॉल की आवाज़ आती है ना, उसका बहुत ही गजब का इफेक्ट आता है, क्योंकि सब ऊपर लगा हुआ है तो बहुत शानदार साउंड आता है दोस्तों। तो ये भी अपना एरिया बता रहा है ये, तो ये स्टेप से ये भी कनेक्ट हो गया। इसको अगर आप सेटेलाइट पर जाके कनेक्ट करेंगे तो वो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आपको सेटेलाइट वाला देखना है फुटेज तो ये वहाँ पे चले जाएगा। वही गूगल वाला फंक्शन है दोस्तों, ये कोई नया नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं आप, तो ये सैटेलाइट वाले पे चले जाता है। ठीक है, ये देखें। और इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं दोस्तों। अब आप वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पर अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, और आपको सिस्टम के बारे में मैंने बता ही दिया था पहले। तो आप लोग कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो ना दोस्तों तो प्लीज़ यार लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए और मैं अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और इसमें कुछ और अच्छा अपडेट आता है तो मैं भी वो आपको आके मैं शेयर करूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।